बारिश का पानी पड़ा है और इसकी सप्लाई की FET IC रीजन सब ब्लास्ट हो चुके हैं। हम इसे ठीक करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हम इसके जो IC है ना ये उतार रहे हैं एक एक करके, सब कंपोनेंट को उतारते हैं। ये 3844 IC हमने उतार दिया, अभी रजिस्टर उतार रहे हैं, रजिस्टर भी उतार देने हैं और सब कंपोनेंट उतार कर आपने अच्छी तरह सफाई करनी होती है ताकि कहीं पर भी कार्बन ना हो। अगर कार्बन हो फिर दोबारा सप्लाई ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्ट आते हैं, थोड़ा सा कार्बन हो, थोड़ी सी रेजिस्टेंस वीक हो, उसकी वजह से ब्लास्ट हो जाते हैं। हमने इसके कंपोनेंट उतार दिए हैं और जिस जगह को सफ़ा कर दिया अच्छी तरह से थीनर से के साथ। अभी हम इसमें FET लगाते हैं, IC लगाते हैं, रजिस्टर लगाते हैं। अभी हम इसकी FET लगा रहे हैं, 3 150, 3 एम्पेयर 1500 वोल्ट की होती है। और इसमें हम IC लगा रहे हैं, 3844 IC भी हमने लगा दिया है, रजिस्टर भी लगा दिया है और एक PF हमारा रह गया है और एक जी IC 4.7 का रजिस्टर लगाना है, दो लगाने हैं। ये रजिस्टर भी हम लगा रहे हैं, इसके ऊपर हम सोल्डिंग करते हैं। अभी हम इसको करंट सोल्डिंग सब कर दी है, अभी हम इसको करंट लगा रहे हैं और के सप्लाई के वोल्ट चेक करते हैं क्या हमारे सप्लाई के वोल्ट बने हैं या नहीं बने। वापड़ा कर हमने करंट इसको लगा देते हैं, 1 मीटर की तार GND पर रखेंगे और 1 -15 वोल्ट पर रखेंगे। ये देखो हमारे एवर वोल्ट आ रहे हैं, 26 वोल्ट बन रहे हैं 15 पर, +15 पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी 26 वोल्ट बन रहे हैं, 5 5 वोल्ट हमारे क्लियर आ रहे हैं। कॉमन और 24 पर रखते हैं, यहाँ पर भी वोल्ट आवार आ रहे हैं। इसका पावर सप्लाई में मसला है फीडबैक का, चेक किया इसका, ये कपलर ख़राब है, 817 PC 817, ये हम न्यू लगाते हैं। इस कपलर की वजह से हमारे वोल्ट आवार आ रहे हैं, यहाँ से सप्लाई की फीडबैक मिलती है, सब वोल्टेज 800 स्टेबल होते हैं, 817 PC है कपलर। और इसके आगे एक IC लगी होती है TL 431। अभी हम इसको करंट लगाते हैं फिर इसके वोल्ट चेक करते हैं क्या हमारे वोल्ट स्टेबल हुए हैं या नहीं हुए। दोस्तों ये देखो कि हमारे 14.80 वोल्ट आ रहे हैं, हमारे वोल्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब हम 15 वोल्ट चेक करते हैं, +15, ये भी क्लियर आ गए हैं और 5 भी हमारे क्लियर हैं। अभी हम 24 वोल्ट चेक करते हैं कॉमन और 24 पर, ये भी हमारे 24 वोल्ट क्लियर आ रहे हैं, माशाल्लाह हमारी सप्लाई बिल्कुल क्लियर प्रॉपर काम कर रही है, हमारी सप्लाई काम कर रही है। अभी इसको CPU कार्ड लगा रहे हैं, अभी इसको करंट लगाते हैं, करंट हमने इसको लगा दिया है। ये दोस्तों हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है और पावर ऑफ पर आ चुका है और ये वोल्ट शो कर रहा है, 203 वोल्ट शो कर रहा है, 203 वोल्ट शो कर रहा है मेरे पास। हमने वोल्ट लो दिए हैं इसको, इन्वर्टर हमारा बिल्कुल चालू हो चुका है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके।